हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने पिछले वाला जो ट्यूटोरियल है, मैंने अभी तक तीन ट्यूटोरियल अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले दो तो ऑर्डर डिग्री पे थे और सेकंड वाला था कि शो करना था कि हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब वाई दिया होता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और हमें शो करना होता है कि वो उसका सॉल्यूशन है। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हमें ना कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और हमारे कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव नहीं दिया होगा आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव भी दिया होगा और हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो हमारे कोर्स में जो बेसिक तीन मेथड हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक है सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हर एक्सरसाइज, हर टॉपिक पे एक एक्सरसाइज बेस्ड है, यानी ये हमारी फर्स्ट 9.4 एक्सरसाइज है, ये 9.5 और ये 9.6। एग्ज़ाम में बोला नहीं जाता है मैक्सी कहीं भी कि भी इस मेथड से करो, ये हमें प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन कौन सी टॉपिक का है, कैसे सेपरेट होगा, ठीक है ना। मतलब किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, कि वो सेपरेटिंग द वेरिएबल है, कि होमोजीनियस है, कि लीनियर। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से, सेपरेटिंग द वेरिएबल से। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, यानी हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो इस तरह से दी होगी जिसमें ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे, वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, और अब मैं आपको एक इसकी पहचान भी बता देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जनरली इस टॉपिक में इस फॉर्म में होगा, जिसमें एक्स का फंक्शन होगा अलग और वाई का फंक्शन होगा अलग, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तभी वो सेपरेट हो रहा होगा। तो आपको यहाँ तो हो नहीं रही, तो ये हो रहा है। अगर आप देखो ध्यान से कि इसको लिखो x इंटू वन बाई वाई, तो देखो ये वही फॉर्म बन रही है ना, तो यहाँ पे ये सेपरेट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, y को dy के साथ ले जाएंगे, dx कूद ले जाएंगे। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होता है कि dx और dy ऊपर आए, तो वो ऊपर आए ना वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो dy वाई वहाँ रहा, y को हम उसकी साइड लेंगे और x वहीं था, dx को हम उसकी साइड लेंगे। अब क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है, तो अब हम सेपरेट होने के बाद इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ये सेपरेट हो जाएगा, मतलब x की टर्म अलग हो गई, y की अलग हो गई, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 1, तो y की पावर 1 में कौन सा फॉर्म लगेगा, x की पावर n वाला इंटीग्रेशन। हमें पता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता था उस पर पावर इंक्रीज बाय 1 होती थी, यानी एक पावर बढ़ जाती है अब और n प्लस 1 आता है। तो उसी लॉजिक से मान लो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाते हैं, तो y की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 2 अपॉन, और x की पावर 1 का भी हो जाएगा x की पावर 2 बाई 2 प्लस सी। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप और एक चीज़ याद रखनी है, आपने इंटीग्रेशन आप दोनों साइड कर रहे हैं, बट c आपको दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक साइड आप लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल। एक और कराता हूं मैं क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, जैसे एक्स बाई वाई था वाई बाई एक्स आ गया, फिर से सेपरेट करते हैं। तो इस बार ये वाई नीचे आ जाएगा इधर, क्योंकि डी वाई वहाँ रहेगा, ये वन बाई एक्स है, ये डी एक्स हो गया, सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये वन बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब आपको पता है वन बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाय वाई का या वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई, तो ये बन जाएगा लॉग वाई, ये बन जाएगा लॉग एक्स। अब सी हम किसी भी एक साइड लगाते हैं, तो हम सी इधर भी लगा सकते हैं और वाई की साइड भी लगा सकते हैं। अब कई बुक्स में क्या होता है, आप एक चीज़ नोट करोगे, ये हमारा आंसर ठीक है। कई बुक्स में या कई टीचर बताते हैं कि सी को हम लॉग ले लेंगे, अब क्वेश्चन आता है कब लेंगे, तो आप ये याद रखना कि कई बार क्या होता है जब पूरा क्वेश्चन लॉग में हो तो सी को भी हम लॉग में ले सकते हैं, लेना हमेशा नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि लेना ही लेना है, फिक्स नहीं है। बट अगर आपको इसको चाहते हो कि इसको सिंप्लीफाई करना, तो जब सारी टर्म्स लॉग में आए तो हम सी को भी, क्योंकि हम हमेशा एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, तो सी की जगह लॉग सी ऐड कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा सी एक्स, और लॉग से लॉग कह सकते हैं हम एंगल कट कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया वाई इक्वल टू सी एक्स। तो हमारा आंसर ये भी ठीक है और हमारा आंसर ये भी ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, बट जब भी आप सिंप्लीफाई करो तो आपको उसके आगे की अप्रोच करेक्ट पता होनी चाहिए, ये नहीं कि हम स्टार्ट करते हैं और आगे पता होना हो, ठीक है। एक और सेपरेटिंग द वेरिएबल का क्वेश्चन करते हैं, एक और सेपरेटिंग द वेरिएबल क्वेश्चन करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास साइन डी बाई डी एक्स इक्वल टू के, इस टाइप के मैं क्वेश्चन और अभी कराऊंगा।
अभी हमें देखते हैं यहाँ पे पहले डी वाई बाई एक्स हम निकाल लेंगे। तो मैं साइन को हटाया, साइन को हम उधर ले गए या साइन इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दिया। तो जब साइन को उधर ले गए तो साइन वर्स एक्स के हो गया, ये एक्स नहीं है, के है। अब सेपरेट करते हैं। अब साइन इनवर्स के, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है क्योंकि ना तो ये एक्स की टर्म है ना वाई की टर्म है, तो इसको आप किसी भी साइड रख सकते हो, आप इधर भी रख सकते थे और वाई की साइड भी ला सकते हो। अब सेपरेट हो गए तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये डी एक्स हो जाएगा और ना साइन इनवर्स ऑफ के बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। बाहर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लेते हैं। इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एक्स के अलावा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा सब कॉन्स्टेंट है। तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ के इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगर यहाँ पे ना ये अगर यहाँ पे मैं अभी अगले ट्यूटोरियल में और कराऊंगा इसे क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए, कौन से वाले सेपरेटिंग वेरिएबल वाले। अभी फॉर द टाइमिंग आप ध्यान रख लो कि अगर यहाँ पे एक्स होता तो ये साइन वर्स एक्स हो जाता, तो फिर साइन वर्स एक्स के इंटीग्रेशन में बाहर नहीं आता और फिर हमें बाय पार्ट्स करना पड़ता। अब ना कुछ एन सी आर टी के क्वेश्चन करते हैं। जैसे 9.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ, और अब ध्यान से देखो ये पूरी टर्म एक्स की टर्म है, तो हम सीधा डी एक्स को उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास डी वाई क्या हो जाएगा, हम कहेंगे डी वाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि सेपरेट हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए ना आपने करा होगा, हमने टाइप करी थी, या तो इसको आप रेशलाइज कर दो, नहीं तो दोनों के फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, और प्लस पे फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 10² x/2। अब 10² का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता होता है, बट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता कोई, बट हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, इसको सेक्स में कन्वर्ट करके। तो हम वाई को तो एज इट इज लिख देते हैं और टेन को लिख देते हैं sec² x/2 -1 टेन की प्रॉपर्टी से। अब टेन का इंटीग्रेशन नहीं पता था, हमने उसको सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब सेक का इंटीग्रेशन पता है, सेक का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो इसका आंसर आ जाएगा 10x/2 अपॉन एंगल का डेरिवेटिव -1 का इंटीग्रेशन x + c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 tan x/2 - x + c। तो दिस इज दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो ये प्योरली वाई की टर्म्स में, तो प्योरली की वाई टर्म्स में तो इसको वाई की टर्म की साइड ले जाते हैं। तो जैसे ही हम इसको वाई की टर्म ले जाएंगे और 4 को लिख देंगे 2² - y² और डी एक्स को ले जाओगे तो सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको याद होगा ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, हमने एक फॉर्मूला किया था 7.4 एक्सरसाइज का कि a² - x² जब होता है तो इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y/2 = x + c। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो साइन को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा साइन x + c और y हमारा आ जाएगा 2 sin x + c। तो ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं, ये भी फॉर्म ठीक है, ये भी फॉर्म ठीक है और ये भी फॉर्म ठीक है। तो जैसे ही इंटीग्रेट हो जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं, बट इस y को ना उधर ले जाता हूँ, तो y को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो देखोगे आप ये तो प्योरली y की टर्म बन गई। इसको y के साथ ले जाते हैं, इधर डी एक्स हो गया, सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई, तो उसी तरह से 1 बाय वाई - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई माइनस वन। 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब NCERT में ना आंसर जनरली वाई की टर्म्स पे दिया होता है कि लॉग हटाओ, आपको जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप आंसर ऐसे ही छोड़ना, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है कि भाई हटाना ही है, सीखना है, तो लॉग को हटाने के लिए आप क्या करोगे वो मैं बता देता हूँ कि लॉग को हटाने के लिए क्या करोगे, पहले ना माइनस को हटाएंगे,
माइनस को हटाने के लिए क्या किया, ये तब बता रहा हूँ कि अगर आपको वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, वैसे बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो माइनस उधर लेंगे और सी को मैं ऐसे करता हूँ, इसको सी डैश मान लेता हूँ, जैसे ही माइनस सी डैश हुआ और उसको मैंने एक नया नाम दे दिया सी। अब लॉग जब हटाते हैं तो दूसरी साइड हमारा ना एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो वाई की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस वन, तो ये हमारा वाई हो गया। बट ये कोशिश नहीं करनी हमें हमेशा वाई निकालने की, ठीक है, हमें हमेशा सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन तो हमारा यही निकल चुका, तो ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये भी सेपरेटिंग द वेरिएबल कैसे। देखो पहले ना हम डी वाई बाई एक्स निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो मैंने क्या किया, जो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है ना, उसमें एक टर्म को मैं उस साइड ले गया, तो उस साइड जब ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस में, माइनस में बन गया ये। अब मेरे को चाहिए वाई वाली टर्म अलग, एक्स वाली टर्म अलग, तो ये वाई की टर्म है, तो ये वाई की टर्म है और ये वाई की टर्म है, इनको सेपरेट कर देता हूँ। तो टेन एक्स को मैं इधर ले आऊँगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, और उधर बन जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। अब सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आप यहाँ पे एक फॉर्म लगेगी, अगर आपको याद है एक फॉर्म होती थी हमारी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी नीचे वाले टर्म का डायरेटिव अगर ऊपर हो तो उसको लॉग एफ एक्स कहते हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फॉर्म लगाते हैं जरा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स ना, ये वाली फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो नीचे वाले का डायरेटिव ऊपर बन जाएगा, टेन एक्स का डायरेटिव सेक्स को रख से, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ टेन एक्स, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ टेन वाई, क्योंकि टेन वाई का डायरेटिव है सेक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्म आ गई कि आप इसको सी भी लगा सकते हो, लॉग सी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों दोनों लॉग टर्म है। अगर यहाँ लॉग लगाते हैं तो ये बन जाएगा लॉग टेन एक्स, इधर आ जाएगा लॉग सी माइनस लॉग टेन वाई, तो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी से ये लॉग ए वाई भी हो जाएगा, और हम फिर लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू सी बाई टेन वाई, तो टेन वाई को हम इसके साइड ले जाएंगे, तो ये आंसर भी एक ऑप्शन हो सकती है, तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में है, देखो कैसे बेटा, इक्वल टू जीरो है ना, मैं एक टर्म खोद ले जाता हूँ, ठीक है, बन जाएगा ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई, और इस टर्म खोद ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, सेपरेट कर लेते हैं तो ये एक्स की टर्म इधर चली जाएगी, अब सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, बोथ द साइड, तो वन का इंटीग्रेशन वाई हो गया। और यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे फिर से वे बन रहा है, नीचे वाली टर्म का, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब भी ऐसे कोई एक्सप्रेशन आता है जिसमें एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म आती है, तो हमारा आंसर रहता है लॉग एफ एक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डी बाय डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होता है, वो होता है ई की पावर एक्स फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यानी डिनोमेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म से लॉग ऑफ एफ एक्स हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हमारी ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब ये सिक्स क्वेश्चन दिया है मैंने एनसीईआरटी में, इस तरह से दिया हुआ, बट मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर इस फॉर्म में आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा और ये फैक्टर बन जाएंगे। आप भी सेपरेट कर लेते हैं, तो वाई वाली टर्म जब इसको इधर लाओगे और वन प्लस एक्स स्क्वायर वहीं रहने दोगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा हमारा, सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड पे हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, जिसका आंसर होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई, या वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स थ्री बाय थ्री प्लस सी, ये ऑप्शन भी ठीक है। और अगर आप वाई निकालना चाहो कि भाई वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बन जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बाकी जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर दूंगा, तब तक आप इसके पहले ट्राई करके देखना। तो ये बन जाएगा वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, सेपरेट करते हैं तो ये वाई की टर्म है तो ये वाई के साथ जानी चाहिए, एक्स को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स, और इधर बन जाएगा वन बाय वाई लॉग वाई डी वाई, सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ना यहाँ पे तो वैसे ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लॉग वाई को पी पुट करेंगे और क्योंकि वन बाय वाई डायरेक्ट ही मिल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। बट अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट मूव चलूँ, मैं इस वन बाय वाई को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वन बाय वाई ऊपर अपॉन लॉग वाई, और मैं ये कह सकता हूँ अब दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों ही जगह ये फॉर्म लग रही है कि जब भी नीचे वाली टर्म का डायरेक्टिव ऊपर मिलता है तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बन रही है, देखो इधर भी एक्स का डायरेक्टिव वन है ऊपर तो लॉग एफ एक्स हो जाए, लॉग एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर भी नीचे वाला लॉग वाई का डायरेक्टिव वन बाय वाई है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये भी लॉग है, ये भी लॉग है तो सी को भी लॉग सी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ठीक है कि ऐसे छोड़ दो या दोनों साइड लॉग ले लो, मतलब दो सी को भी लॉग सी लिख दो। तो अब आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे कि ये आंसर भी सही माना जाएगा। और अगर मैं इसको सी को लॉग सी लिख देता और लॉग ए प्लस लॉग बी से लॉग ए इंटू बी कर देता, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी हो जाता है, तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट करते तो हमारा आंसर आता एक्स इक्वल टू लॉग वाई इंटू सी। ये ऑप्शन भी हो सकती है, और कभी आप कम्पिटिटिव लेवल पर जाएं जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया हमारा तो इसको और मॉडिफाई किया भी जा सकता है कि जैसे देखो एक्स बाय सी आ गया इक्वल टू लॉग वाई है तो वाई की वैल्यू ई की पावर में एक्स बाय वाई सी, ये भी हो सकती है। ठीक है तो ये हमारे ऊपर है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह इतना सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।